ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश की मंडियों में शुक्रवार को हड़ताल है। प्रदेश की 247 मंडियों में हड़ताल रहेगी। कृषि उत्पादन व्यापार अध्यादेश के विरोध में यह हड़ताल है। अध्यादेश में मंडी से बाहर नहीं देना होगा मंडी शुल्क। मंडी के अंदर व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। बाबूलाल गुप्ता ने की हड़ताल की घोषणा। और बाबूलाल गुप्ता हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष। प्रदेश की 247 मंडियों में हड़ताल रहेगी। शुक्रवार को हड़ताल का ऐलान किया गया है। बाबूलाल गुप्ता ने हड़ताल की घोषणा की है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता। प्रदेश की मंडियों में शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा की गई है। प्रदेश की 247 मंडियों में हड़ताल रहेगी। कृषि उत्पादन व्यापार अध्यादेश के विरोध में यह हड़ताल की गई है। अध्यादेश में मंडी से बाहर भी व्यापार की अनुमति होगी। मंडी से बाहर मंडी शुल्क नहीं देना होगा। मंडी के अंदर व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। इस संबंध में अध्यादेश के विरोध में हड़ताल की घोषणा की गई है। शुक्रवार को 247 मंडियों में हड़ताल रहेगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, क्या कुछ अपडेट है? 247 मंडियों में हड़ताल की घोषणा की गई है। आखिर क्या मांग है मंडी के व्यापारियों की? आशीष, ये केंद्र सरकार का मसला है। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया है जी। उस अध्यादेश के तहत जो मंडियां हैं, जितनी भी अनाज मंडी है, खाद्य पदार्थों की ये मंडियां हैं जी, इनके बाहर भी व्यापारी माल मंगवा सकेंगे फैक्ट्रियों से बाहर से, और बाहर भी व्यापार कर सकेंगे। तो इसका ये मंडी व्यापारी विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंडी के अंदर व्यापार करते हैं तो मंडी शुल्क लगता है, कई उपकर लगते हैं जी। तो मंडी में व्यापार करना में उसकी लागत बढ़ जाती है। उसकी लागत बढ़ती है तो सामान्य सी बात है कि उसकी कीमत भी बढ़ती है, लेकिन मंडी के बाहर ये सारे जो शुल्क है, कर है, मंडी टैक्स है, वो व्यापारियों को नहीं देना पड़ेगा जी। यानी कि बाहर मंडी के बाहर वही उत्पाद सस्ता मिलेगा और मंडी के अंदर महंगा मिलेगा। तो माना जा सकता है कि यह अध्यादेश अगर लागू होता है हो जाएगा तो माना जा सकता है यह अध्यादेश यदि लागू होता है तो मंडी के बाहर व्यापार बढ़ेगा, जिससे व्यापारियों को नुकसान होगा, मंडियां सूनी पड़ी रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल इसी बात को लेकर ये मंडी व्यापारी जितने भी हैं उन्होंने इसका विरोध जताया है कि मंडी के अंदर जो सिस्टम है व्यापार का वो ठप हो जाएगा, और जो पारंपरिक रूप से बहुत सारे मंडी व्यापारी हैं उनके साथ जो ढुलाई करने वाले मजदूर हैं और मंडी जो आड़तिया की जो फर्म है वहाँ उनमें कर्मचारी हैं, मुनीम है, जो हजारों लोग मंडियों में काम करते हैं, उनका कारोबार ठप हो जाएगा और धीरे धीरे मंडियों से बाहर ये व्यापार चला जाएगा, जिससे मंडी का जो सिस्टम बना आ रहा है और ये मंडियों का सिस्टम सदियों पुराना है, ये ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ये मंडी व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं और ये देशव्यापी आंदोलन है। हरियाणा में भी इससे पहले हड़ताल हो चुकी है, अलग अलग राज्यों में व्यापारी इस अपना विरोध जता रहे हैं। तो कल प्रदेश की जो 247 मंडियां हैं उनको में हड़ताल की घोषणा की गई है अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता की ओर से। आशीष जी, बिल्कुल, इससे तो ये भी हो सकता है कि जो राजस्व का घाटा है वो भी सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अरबों रुपए का राजस्व मंडी टैक्स के रूप में सरकार के पास में आता था, लेकिन अब अगर मंडी टैक्स ही नहीं लिया जाएगा, मंडियों में माल नहीं पहुंचेगा, तो फिर ये जो राजस्व है ये कहां से आएगा? ये जी हाँ आशीष, आपने बहुत अच्छा जो पॉइंट है इसका उसको पकड़ा है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी तनाव है, उसके बीच भी विरोध है, क्योंकि जो मंडी शुल्क लगता है वो राज्य सरकार के पास में आता है और ये अध्यादेश बनाया है केंद्र सरकार ने, और मंडी शुल्क सेस जो भी उपकर वगैरह लगते हैं वो सब राज्य सरकार को उससे माध्यम से राजस्व मिलता है, और उससे मंडियों का विकास और मंडियों के विकास में ही सरकार उसे खर्च करती है। तो किसानों को भी जो फैसिलिटीज जो सुविधाएं मंडियों में मिलती है वो उसी टैक्स से जो पैसा आता है उसी के माध्यम से होता है। तो राज्य सरकार के बीच में भी ये विरोध है और राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि मंडियों के बाहर व्यापार जाए, मंडियों का व्यापार ठप हो,
तो इसको लेकर राज्य और केंद्र के बीच में भी एक विरोधाभास है। जी तो ये बिल्कुल ये भी एक अहम पहलू है राज्य सरकार के बीच में, और इसको लेकर राज्य सरकार ने भी विरोध जताया है। लेकिन अब आगे क्या रहेगा और किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई सामंजस्य बनता है, ये आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकार का कितना समर्थन मिलता है ये भी देखना होगा आशीष। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि 247 मंडियों में शुक्रवार को हड़ताल की घोषणा की गई है।